डेनमार्क के प्रिंस देखेंगे ताजमहल और आगरा फोर्ट, 2 घंटे इस गेट से नहीं मिलेगी पर्यटकों को एंट्री। डेनमार्क के प्रिंस और प्रिंसेस रविवार को आगरा आ रहे हैं। वह सुबह 11 से दोपहर 12:15 तक ताजमहल निहारेंगे। उनके विजिट के दौरान पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। पूर्वी गेट से पर्यटकों का प्रवेश व निकास सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक बंद रहेगा। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिस्टियन और प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ डोनाल्डसन सुबह 10:30 विशेष वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट आएंगे। यहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा। वह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रिंस व प्रिंसेस सुबह 11:00 होटल अमर विलास पहुंचेंगे। यहां से वे बैटरी कार में सवार होकर ताजमहल देखने जाएंगे। उनका सुबह 11:00 से 12:15 तक का समय ताजमहल देखने के लिए निर्धारित है। लंच के बाद वह दोपहर 1:45 से 2:45 तक आगरा किला भी देखेंगे। उनकी विजिट के लिए दोनों स्मारकों में पर्यटकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि रविवार को ताजमहल व आगरा किला खुले रहेंगे। ताजमहल के पूर्वी गेट से सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक पर्यटकों का प्रवेश व निकास नहीं होगा। आगरा किला में दोपहर 1 से 2 बजे तक पर्यटकों का प्रवेश व निकास रोका जा सकता है। ताजमहल के पश्चिमी गेट व टिकट विंडो सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। पर्यटकों को स्मारक के लेबर गेट व दक्षिणी गेट से बाहर निकाला जाएगा।